हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfrap.in। सबसे पहले आज के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं क्विकली। फ्राइडे के जो हमने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल मार्क किए थे, उसके ऊपर ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स। आज ये 5 मिनट का चार्ट है, कुछ इस तरह से आज दिखाई दे रहा था। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये पूरी स्लगिश वे में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर जो प्लान बनाया था हमने फ्राइडे को मंडे के लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। तो अभी कल के लिए यानी ट्यूसडे के लिए क्या प्लान्स होंगे, इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद ये जो फर्स्ट आर का कैंडल है, इसके हाई और लो के बीच में पूरा दिन ये ट्रेड हो रहा था। ना ही हायर हाईज बन रहे थे, ना ही लोअर लोज बन रहे थे। तो एक कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला। वीकली चार्ट में हमने फ्राइडे को देखा था, यहाँ पर 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है वीकली चार्ट में, ये काफ़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। 2 हफ्ते से यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक हो। लेकिन अगर कैंडल देखे लास्ट 3 वीक्स का, तो दोजी जैसा कैंडल बन रहा है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है। ना बुल्स जीत पा रहे हैं, ना बेयर्स जीत पा रहे। और अभी 20 EMA के पास ये सपोर्ट ढूंढ रहा है। अगर 20 EMA ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं यहाँ से और डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन जब तक ये 20 EMA के ऊपर है, यहाँ पर चांसेस है कि इसका बुलिश पैटर्न यहाँ पर हमें कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो था। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। ये 60 मिनट यानी 60 मिनट का चार्ट है। ट्यूसडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 14,543, जो कि आज का हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस का लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,558। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,578। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का ये जो लो है कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए, यानी 14,420 के नीचे चला जाता है, तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,402। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,381। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। सेम पैटर्न है आर्ली चार्ट में बैंक निफ्टी का भी। फर्स्ट आर के कैंडल के हाई और लो के बीच में पूरे दिन ट्रेड हो रहा था। तो अभी इसका जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है आज का, वो हमारा कल के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा, यानी 32,577। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा और फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 32,616। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,715। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जैसे निफ्टी में डे लो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था, यहाँ पर भी डे लो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। रेजिस्टेंस का लेवल आके जाके हो सकता है सपोर्ट का काम करे। 100 EMA का भी सपोर्ट आ रहा है, कंबाइन सपोर्ट है। तो 32,132 को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए, फिर हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,041। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 31,962। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स ट्यूसडे के लिए, यानी 27 अप्रैल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।